हे हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ICMA का मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट अर्जेंट रिमाइंडिंग टू ऑल CMA फाउंडेशन स्टूडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड जो साइड में बेल आइकन वाले बटन पर प्रेस कर देना ताकि CMA एग्जाम रिगार्डिंग कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट अनाउंसमेंट या नोट्स आप मिस ना कर सके। एंड हाँ, और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक ग्रोन वाले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ग्रोन वाले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, बिकॉज कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट नोट्स इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आता है वहाँ पे सबसे पहले शेयर कर दिया जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप CMA फाउंडेशन स्टूडेंट है, आज आपका एग्ज़ाम है 8 जुलाई CMA फाउंडेशन एग्ज़ाम का आपका एग्ज़ाम है, तो आपको क्या क्या कैरी करना चाहिए आपके एग्ज़ाम में। मोस्ट ऑफ CMA फाउंडेशन स्टूडेंट्स का यही डाउट है, सर मैं क्या कैरी करूँ अपने एग्ज़ाम में, क्या लेके जाऊँ क्या नहीं लेके जाऊँ, सर मेरा एग्ज़ाम होम बेस है फिर भी क्या मुझे कुछ कैरी करना चाहिए या नहीं कैरी करना चाहिए, देन उनके लिए ये वीडियो बना है खास करके। लाइक स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इंटर एंड फाइनल के लिए दिया गया था, सेम टू सेम आपके लिए भी आपको यही चीज़ फॉलो करना है। जो चीज़ नहीं फॉलो करना होगा वो मैं आपको बता दूंगा, उसे मत लेना आप। फर्स्ट थिंग, अगर आपको क्या क्या कैरी करना चाहिए तो आपके पास पेन होना चाहिए, पेंसिल होना चाहिए, स्केल होना चाहिए, कैलकुलेटर होना चाहिए, कैलकुलेटर नॉन साइंटिफिक। सर आप ये सब क्यों बता रहे हो? बिकॉज जब एक बार आपने कोकोबस एप्लीकेशन को ऑन किया तो उसका फ्रंट कैमरा ऑन हो जाएगा और आप यहाँ वहाँ नहीं जा सकते हैं, आप किसी से कैलकुलेटर नहीं मांग सकते अपने घर में नाउ, तो आप ये सब ध्यान में रखना कि आपके पास ये होना चाहिए, पेन होना चाहिए, पेंसिल होना चाहिए, स्केल होना चाहिए, कैलकुलेटर होना चाहिए, बट नॉन साइंटिफिक। और साइंटिफिक भी हुआ तो आप बोलेंगे सर कहाँ किसको दिख रहा है, बट फिर भी आपकी सेफ्टी के लिए कैलकुलेटर जो होगा नॉन साइंटिफिक यूज़ कर लेना। उसके बाद आपके पास अपना पर्सनल एडमिट कार्ड होना चाहिए, आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड होना चाहिए ताकि आप किसी से मांगे नहीं, बिकॉज आप एक बार ऑन कर दिए बता रहे हो स्टूडेंट तो आप बैक नहीं कर सकते हैं। आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, मेल आईडी ओपन करके आप अपना रजिस्टर आईडी नहीं देख सकते। ये नहीं कि आप सर मैं बैक करके गैलरी में जाके फटाक से मैं अपना आधार नंबर क्या है वो चेक कर लूँ, आईडी कार्ड नंबर क्या है वो चेक कर लूँ, तो आप नहीं चेक कर पाएंगे। बिकॉज अगर आपने मॉड्यूल एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या प्रोसीजर है, आपको पास की आ गया होगा SMS के थ्रू, आई होप आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया, स्टूडेंट मस्ट बी कीप गवर्नमेंट इशूड, फॉर एग्जांपल वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड। तो आधार कार्ड कॉमन है, हर CMA फाउंडेशन स्टूडेंट्स के पास आधार कार्ड होता है। मैं हर स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड करता हूँ आधार कार्ड कैरी करना, आपको भी रिकमेंड कर रहा हूँ आधार कार्ड कैरी करना। अदर भी आपके पास है कुछ तो ओके, बट आधार कार्ड कंपलसरी। उसके बाद आइडेंटिटी कार्ड आपके पास होना चाहिए, आप अपने पेज पे लिख लेना अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब आपके काम आएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। इनकेस आपके माइंड में कोई भी डाउट आता हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट आ रहा है, सर क्या मैं चीट कर सकता हूँ एग्ज़ाम में, जब आप बैक ही नहीं कर सकते तो चीट कहाँ से करोगे, कॉमन बात है। थैंक यू स्टूडेंट्स, इनकेस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा या फिर कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन आपके लिए, कमेंट कर देना। एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, आपका पेपर आपके फेवर में ही आएगा।